नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करेंगे एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्मी भर्ती के बारे में, जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 4 नवंबर है। 4 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और जानेंगे कि किस किस ट्रेड में भर्ती है, जीडी और क्लर्क के अलावा किस ट्रेड में और ये भर्ती है। सभी बातों के ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये भर्ती है कहाँ पे है। जो ये भर्ती है ये मध्य प्रदेश की भर्ती है और आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरेना उज्जैन मध्य प्रदेश में ये भर्ती होगी, जो 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगी। और जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिन डिस्ट्रिक्ट के, वो हैं आगर, मलवा, अलीराजपुर, बरवानी और आपका है बुरहानपुर और दिवास, दार, इंदौर, झाबुआ, खांडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम और शाजापुर और उज्जैन। ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताई हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी डेट थी आप 21 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक इसके जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। मींस कि अभी पड़े हैं 4-5 दिन, आप इनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये भर्ती चलेगी आपकी 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, तो 10 दिन ये भर्ती आपकी चलेगी। और इसमें आपके जो ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट दिख रही हैं आपको, ये अलीराजपुर, बरवानी, बुरहानपुर, दिवास, दार, इंदौर, झाबुआ, खांडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के जो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस किस की ये भर्ती है। एक तो जो आपके जो जीडी के हैं, जो जीडी के कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर और 21 साल के बीच में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक शेड्यूल्ड ट्राइब जीडी में आते हैं जो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो हाइट और वेट में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, एसटी के कैंडिडेट्स हैं। और सोल्जर क्लर्क की भर्ती है और स्टोर कीपर टेक्निकल की ये भर्ती है। और सोल्जर नर्सिंग में भी इन्होंने आपका 10+2 है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ की है, तो वो नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर टेक्निकल एविएशन अम्यूनेशन और एग्जामिनर की भी ये भर्ती है। और एक आपकी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो है सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन है 10th पास, इनकी भी ये, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो चाहवान कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, जो PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। जो वो 5.5 मिनट मिलेंगे आपको 1600 किलोमीटर की रेस के लिए। और एक आपके होंगे नंबर ऑफ पुलअप्स, पुलअप्स आपको लगाने हैं 10, जिसके लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। 9 लगाते हो अगर आप, उसके लिए आपको 33 मिलेंगे। और जो एक 9 फिट का डिच और जिग जैग बैलेंस, ये भी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। जो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो एट द रैली साइट पर ही होगा। और आपका मेडिकल टेस्ट भी इसके बाद में, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। जो आपको 7 डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं वो हैं आपके एडमिट कार्ड है जो प्रिंटेड हो, लेजर प्रिंटेड और गुड क्वालिटी के साथ प्रिंट हुआ हो, मींस कि जो श्रिंक द साइज ना हो, मींस कि जो अक्षर हैं वो छोटे बड़े ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंटेड हुआ हो और लेजर प्रिंटर के साथ आपको वो प्रिंट निकलवाना है। आपको फोटोग्राफ से लेके जानी है 20 फोटोग्राफ अनअटेस्टेड, मींस कि उनको टेस्टेड नहीं करवाना है, 20 पीस फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है। और आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है वो भी लेके जाना है, डेमोसिल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है और फॉर्म भरते समय आपने वो NCC के सर्टिफिकेट पर टिक किया है, तो आपको NCC का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी लेकर जाना पड़ेगा। एक 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको 10 रुपये का एफिडेविट वो लेकर जाना पड़ेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन उस भर्ती के रिगार्डिंग। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपने फॉर्म 4 नवंबर से पहले पहले भर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।